नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। अपनी पार्टी का जदयू में विलय करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। जी हां, आपको बता दें कि राज्यपाल कोटे से उन्हें MLC बनाया गया है। कल उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर लिया, जिसके बाद MLC बनने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए हैं उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने बयान दिया है मीडिया को, पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। आया होगा, अभी बिहार आए तो शायद ठीक से समझ भी नहीं पाए कि वही बिहार है या दूसरा बिहार, क्योंकि जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, बिजली गांव-गांव में घर घर तक पहुंच गई है, और पहले लोग सड़क पर चलने से डरते थे शाम होने के बाद, आज तो इतना ढंग से और व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि कहीं कोई बिल्कुल निर्भय होकर बिना डर के लोग चल रहे हैं। तो यह जो वातावरण बना है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा परिवर्तन है, और आम आदमी गांव में जो अंतिम व्यक्ति है वह भी इस परिवर्तन को महसूस कर रहा है। विधान परिषद के सदस्य के रूप में आज कार्यवाही में भाग लेने का मौका मिला, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि चारों सदन में काम करने का मौका मिला है। सदन में हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से कार्यवाही चल रही थी और सब लोग बहुत ही शालीनता से, माननीय सदस्य सवाल भी पूछ रहे थे, माननीय मंत्री लोग जवाब भी दे रहे थे, बहुत ही अच्छा ढंग से चल रहा है। सर, आपने शिक्षा में काफ़ी काम किया है, मूवमेंट भी किया है, क्या शिक्षा में सुधार देखते हैं या शिक्षा मंत्री के रूप में आप आ सकते हैं? नहीं, देखिए कौन मंत्री आ सकते हैं, ये सवाल तो बहुत उचित नहीं है। हाँ, शिक्षा बेहतर से बेहतर हो, इसके लिए हमने पहले भी कोशिश की है, जिस भूमिका में हम जहाँ थे उस तरह से कोशिश कर रहे थे। आज इस भूमिका में जहाँ हम हैं, निश्चित रूप से सरकार में बेहतर से बेहतर तरीके से माननीय शिक्षा मंत्री जी से आवश्यकतानुसार बात भी करते रहेंगे, और बेहतर से बेहतर शिक्षा हो इस बात की कोशिश पहले से भी मैं कर रहा हूँ, आगे भी होते रहेंगे। जो आप मूवमेंट करते रहे हैं, आंदोलन करते हैं, उसको पूरा कराएंगे? हमने कहा ना कि आवश्यकता अनुसार, अब तो मेरे लिए थोड़ा और आसान हो गया है, पहले दूसरे तरह से हम लोग बात अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे, अब सरकार के नज़दीक हैं तो स्वाभाविक रूप से उस काम में हमको ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अच्छी से अच्छी शिक्षा हो इस बात की कोशिश पहले से मैं करता रहा हूं, आगे भी कोशिश चलती रहेगी। सर, दिल्ली के अनुभव का फायदा किस तरह से बिहार को मिलेगा? बिहार, अरे देखिए, हमने कहा कि सदन में काम करते हुए लोकसभा राज्यसभा सब जगह से जो एक्सपीरियंस मुझको मिला है, निश्चित रूप से मेरी पूरी कोशिश होगी कि बिहार की जनता के हित में जो कुछ भी बेटर से बेटर हम कर पाएँ विधान परिषद के सदस्य के रूप में, निश्चित रूप से हम करेंगे। मंत्रालय का अनुभव मंत्रालय में भी दिखेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, उपेंद्र कुशवाहा MLC बनने के बाद बेहद खुश हैं। उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार ने उन्हें जो जिम्मेदारी दिए हैं, उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएंगे। एक तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी बेहद नाराज है। जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार ने जो किया है वो बेहद गलत किया है, उन्हें बैठ करके निर्णय लेना चाहिए था, सबसे कंसल्ट करके निर्णय लेना चाहिए था, ऐसा कहना है जीतन राम मांझी का। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुकेश सहनी भी नीतीश कुमार से नाराज है। इस बीच नीतीश कुमार का भी बयान आया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के भी नाराजगी से, यानी कि नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ, तो दो सहयोगी दल जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।